सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में विशाल जनसभा का हुआ आयोजन, उमड़ा जनसैलाब। सुर्खी विधानसभा का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है जिसका मैं सदा ऋणी रहूंगा। गोविंद सिंह राजपूत, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भागवत गीता के एक श्लोक को कहते हुए बताया कि कौन कहाँ खड़ा है। यह आपको तय करना है कि आप राम मंदिर बनाने वालों के साथ खड़े हैं या राम मंदिर के खिलाफ बात करने वालों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल ओबीसी आरक्षण को लेकर बातें ही करती रही, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता ही है कि उन्होंने माता बहनों और गरीबों के खाते खोल दिए। केंद्रीय मंत्री यादव बुधवार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जनसभा में उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल उम्मीदवार बनाती है, जबकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। भाजपा विचार के लिए काम करती है और भाजपा का विचार और लक्ष्य विकास है। हम आश्वासन देने वाले लोग नहीं, बल्कि हम काम करने वाले लोग हैं, विकास करने वाले लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास किया है। भारत में भाजपा गरीब कल्याण का संकल्प लेकर काम कर रही है। सागर राहतगढ़ से भगवान सिंह प्रजापति के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। बेहतर जिंदगी जिएंगे कि नहीं, ये गारंटी देना जरूरी है और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है। हम तीन दीपावली मनाएंगे, हम भाग्यशाली हैं। एक तो 12 तारीख को होगी तो दीपक जलेगा, कमल का फूल चढ़ेगा, चाहे खरीद कर लाओ चाहे तलासे तलैया से तोड़ के लाओ। दूसरी दीपावली होगी जब गोविंद सिंह जी फिर से विधायक बनकर जाएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। और तीसरी दीपावली होगी 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। एक प्रार्थना है, कहना है, पहली दीपावली में कमल खरीद कर लाओगे, तालाब से तोड़ के लाओगे, लेकिन दूसरी दीपावली के लिए कुछ नहीं करना। वृद्ध हो या जवान, माताएं बहने हो या हमारे दादा दादी, उनको सिर्फ जाना है मतदान केंद्र पर और कमल की बटन भर दबाना है, कमल लेके नहीं जाना है, कमल की बटन दबाना है। दूसरी दीपावली हो जाएगी। तीसरी दीपावली तो कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। राहुल गांधी ने पूछा था भाजपा वाले मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, 22 तारीख है, हिंदुस्तान का हिंदू हो या दुनिया का हिंदू, वो गर्व करेगा। और 22 तारीख के बाद 450 साल की गुलामी और संघर्ष के बाद हम भाग्यशाली लोग वहां जाके दर्शन भी करेंगे और पूजन भी करेंगे। मैंने गोविंद सिंह जी का चित्र देखा है जब वो चांदी की ईंट सिर पर रखकर सपत्नी सपरिवार अपने मित्रों के साथ अयोध्या की धरती पर वहां जा रहे थे। हम वो भाग्यशाली लोग भी थे, कुर्मी समाज के लोग भी थे, आदिवासी समाज के लोग भी थे, लोधी समाज के लोग भी थे, यादव समाज के लोग भी थे, सब धर्म सब जाति के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोग भी थे। हमने मुलाकात की, हमारे साथ सभी हमारे पदाधिकारी साथ में थे। हमने चर्चा की कि भैया बताओ इस चुनाव में क्या होने वाला है, तो सभी ने कहा कि भैया हम तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानते हैं और वो है गोविंद सिंह राजपूत, और गोविंद सिंह राजपूत को हम सब अपना समर्थन देंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इन चार दिनों में जो मेरा सर्वे है, चार दिनों में जो मैं घूमा हूं, जो मैंने सर्वे किया है, लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते सभी मित्रों से मिला हूं मैं, सब धर्म सब जाति के लोगों से मुलाकात की है। अभी हमारे भैया कह रहे थे 51,000 पार, 51 नहीं, वाकई में 75,000 पार होगी, ये मैं आप सबको खुशखबरी देना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।